वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। लता जी ने सुबह 8:12 पर अंतिम सांस ली और रविवार शाम 7:16 पर उन्हें मुखाग्नि दी गई। कोरोना और निमोनिया से 29 दिन तक वो लड़ी, लेकिन कितना लड़ती, उम्र भी तो 92 साल हो चली थी। अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया। तब तक देश वहीं मौजूद खड़ा रहा, एकटक उन्हें देखता रहा। प्रधानमंत्री से लेकर बॉलीवुड की तमाम हस्तियां वहां मौजूद थी। खास बात यह है कि अंतिम सांस लेते वक्त भी वो कुछ ऐसा कर गई जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी, और यह बात ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनके डॉक्टर समदानी ने कही है। ब्रिज कैंडी अस्पताल के डॉक्टर प्रतीत समदानी ने दावा किया कि अंतिम पलों में लता मंगेशकर के पास ही थे। उन्होंने बताया कि अंतिम सांसें लेते वक्त भी लता जी के मन में संतोष का भाव और चेहरे पर मुस्कान थी। मधुर मुस्कान के साथ ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। बता दें कि डॉक्टर समदानी बीते 3 वर्षों से लता मंगेशकर का इलाज कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जब भी वो बीमार होती और उनकी हालत बिगड़ती तो वो उनका इलाज करते थे, लेकिन इस बार उनकी हालत दिनों दिन गिरती जा रही थी। डॉक्टर समदानी ने कहा कि लता दीदी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें बचाया नहीं जा सका। उन्होंने बताया कि जिस तरह उन्होंने पूरे जीवन में अपनी आवाज़ और एक मधुर मुस्कान से लोगों के बीच पहचान बनाई थी, अंतिम पलों में भी उनका विश्वास और मुस्कान कुछ ऐसा ही था। इसी मुस्कान के साथ उन्होंने दुनिया को अलविदा किया। लता दीदी के सरल स्वभाव का जिक्र करते हुए डॉक्टर समदानी ने कहा कि मैं उन्हें उनकी मुस्कान के लिए जीवन भर याद रखूंगा। यहाँ तक कि अंतिम घड़ी में उनके चेहरे पर मुस्कान थी, और इस मुस्कान को शायद डॉक्टर समदानी कभी ना भूल पाए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।